रिव्यू में आज हम रिव्यू करेंगे हम टीवी चैनल की ड्रामा सीरियल रकीब से को, जिसे लिखा है बी गुल ने और डायरेक्ट किया है काशिफ निसार ने। इसकी अब तक 2 एपिसोड्स ऑन एयर हो चुकी हैं और इसे लोगों में बहुत पसंद किया जा रहा है। पीपल वर एक्चुअली वेटिंग फॉर इट वेरी एंशियसली। और इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है इसकी कास्ट। इसकी कास्ट में शामिल है नुमान एजाज, सानिया सईद, इकरा अजीज, फरियाल महमूद एंड नन अदर देन आवर वेरी ओन पॉप क्वीन हदीका कियानी। हदीका कियानी हमारे मुल्क की एक बहुत ही मायानास फनकारा हैं और पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। एक्टिंग के हवाले से और इस ड्रामा सीरियल के हवाले से ये उनका डेब्यू है। शी इज़ एक्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ प्ले फॉर अ टीवी चैनल, सो लोगों में इसकी काफ़ी एक्साइटमेंट भी थी। उनके कैरेक्टर और एक्टिंग के हवाले से हम बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। सबसे पहले हम स्टोरी के हवाले से बात करते हैं, विच रिवॉल्व्स अराउंड 3 मेन कैरेक्टर्स, जिसमें नुमान एजाज का कैरेक्टर है मकसूद साहब का, फिर उनकी बीवी के कैरेक्टर में हमें नज़र आ रही हैं सानिया सईद एज हाजरा, और सकीना के रोल में नज़र आती हैं हदीका कियानी। सो बेसिकली सकीना मकसूद साहब की सबका महबूबा है, जिसने किसी और आदमी से शादी कर ली है बाय चॉइस, और उसमें से उसकी एक बेटी है जिसका नाम है अमीरा, प्लेड बाय इकरा अजीज। और शोहर की मारपीट से तंग आके सकीना मकसूद साहब के घर पना लेने पे मजबूर हो जाती है। वहाँ पे हाजरा, जो मकसूद साहब की बीवी है, वो इनसिक्योर होने की बजाय बड़े खुले दिल के साथ सकीना को वेलकम करती है, जिसपे जो इनकी बेटी है इंशा, प्लेड बाय फरियाल महमूद, वो काफ़ी अनकंफर्टेबल होती है विद दिस यू नो ऑड एंड अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ अ पेरेंट्स, खासतौर पर उसकी मदर का जो है हाजरा का। तो बिकॉज वो नहीं चाहती कि उसके घर में जो सकीना और उसकी बेटी की प्रेजेंस है वो उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल होती है, शी इज़ नॉट हैप्पी विद इट। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इट्स अ वेरी अनयूजुअल स्टोरी, बड़ी एक इसकी इसका जो प्लॉट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और पहली एपिसोड से, पहले सीन से ही कहानी की जो जिस्ट है वो हमें पता चल जाती है, जो कैरेक्टर्स के जो उनके हालात हैं, जो उनकी कैफियत है, वो पहली एपिसोड में हमें पता चलती है। बिगुल ने एक्चुअली हर कैरेक्टर को बड़े केयरफुली और बहुत ही सेंसिटिवली उन्होंने सारे कैरेक्टर्स को जो है वो तराशा है। हर कैरेक्टर ही जानदार है, द एक्टर्स आर प्लेइंग इट वेरी वेल ऑल्सो। और जो कैरेक्टर्स की जो नेचर है वो बेसिकली हमें पता चलती है दूसरे कैरेक्टर्स के थ्रू, खासतौर पर मकसूद साहब का जो कैरेक्टर है वो हमें पता चलता है हाजरा से और सकीना से, इन अ वेरी वेरी इनडायरेक्ट एंड अ वेरी सटल वे, जिसका अपना ही एक मज़ा है। कैरेक्टर्स में मैं सबसे पहले मेंशन करना चाहूँगी हाजरा के कैरेक्टर को, जो कि एक बहुत ही वफादार, पोलाइट, वेलकमिंग, बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही ख्याल रखने वाली बीवी का कैरेक्टर है, और इसे प्ले किया है सानिया सईद ने। अब सानिया सईद के टैलेंट से तो हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन आई वुड से कि इस प्ले के अंदर उन्होंने एक दफ़ा फिर बहुत ही चौंका देने वाली अदाकारी का मुजाहरा किया है। हर सीन के अंदर जिस तरह से वो डिफरेंट इमोशंस को वो कन्वे कर रही हैं थ्रू हर फेशियल एक्सप्रेशंस, जिस तरह से एक इमोशन से दूसरे इमोशन में वो शिफ्ट लाती हैं अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, आई थिंक दैट इज़ रियली फिनोमिनल। बहुत से सीन्स में वो खुद कलामी करती हुई दिखाई देती हैं, उनका कैरेक्टर ऐसा है कि वो खुद से बातें करती हुई दिखाई देती हैं। फिर सकीना की प्रेजेंस में शी अपीयर्स टू बी वेरी यू नो कंफर्टेबल, शी एक्ट्स वेरी कैजुअली, शी अपीयर्स टू बी वेरी हैप्पी एंड वेरी काम, लेकिन एट द सेम टाइम शी इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू हाइड हर पेन। तो ये सारे जो डिफरेंट इमोशंस हैं, ये सारे जो शेड्स हैं इस कैरेक्टर के, वो हमें बेसिकली पता चल रहे हैं सानिया सईद की एक्टिंग की वजह से। सो आई थिंक शी इज़ रियली डूइंग अ वंडरफुल जॉब। फिर कैरेक्टर आता है जी नुमान एजाज का एज मकसूद साहब, और इस कैरेक्टर के बारे में हमें पता चलता है हाजरा और सकीना की कन्वर्सेशंस के थ्रू कि ये बहुत गुस्से के तेज़ हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ही नरम दिल इंसान भी हैं। सकीना की जो एक अनएक्सपेक्टेड प्रेजेंस है, ये जो एक ऑड सी सिचुएशन एक उनको उनके सामने आ गई है, उसको वो डील करने की भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी प्रेजेंस से वो ज़्यादा खुश भी नहीं है। एट द सेम टाइम इज़ ऑल्सो वेरी केयरिंग, और उनको पूरा एहसास है इस चीज़ का कि उसके साथ ज्यादती हुई है। सो इस कैरेक्टर की भी काफ़ी सारी लेयर्स हैं, और नुमान एजाज को बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कन्विंसिंगली इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं। इसमें हैं जी इकरा अजीज और फरियाल महमूद, और फरियाल महमूद का कैरेक्टर है इंशा का, एक ऐसी बेटी जिसकी परवरिश जो है बेटों की तरह की गई है। शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, शी इज़ हेड स्ट्रॉन्ग, शी इज़ वेरी बोल्ड, और फरियाल महमूद जो है शी इज़ पुलिंग इट ऑफ रियली वेल। सो इकरा अजीज जो है उनका कैरेक्टर है अमीरा, और हदीका कियानी की बेटी का वो रोल कर रही हैं, और उनका भी इकरा अजीज का भी ये है कि यू नो उनको कोई भी आप कैरेक्टर दे दें
वो बिल्कुल उसके अंदर डूब सी जाती हैं एंड शी रियली प्लेज इट वेल. सो इस कैरेक्टर में भी वो बिल्कुल फिट हैं. फर्स्ट एपिसोड में उनके स्टार्ट में डायलॉग्स कुछ कम थे और ज़्यादातर उनको खामोशी दिखाया गया था, लेकिन एपिसोड के एंड में उनका एक कन्फ्रंटेशनल सीन है नुमान एजाज के साथ, विच कम्स एज अ यू नो विच इट कम्स एज अ सरप्राइज टू द व्यूअर. बहुत ही वो अनएक्सपेक्टेड वो था सीन, और उसमें उनका एक अपनी माँ के डिफेंस में वो बेसिकली जो है बहुत ही अग्रेसिव तरीके से वो बात करती हैं नुमान एजाज के साथ, और उसमें जो उनका आउटबर्स्ट था वो इतना सरप्राइजिंग है फॉर द व्यूअर, एंड आई बिलीव दैट शी रियली स्टील्स द शो इन द फर्स्ट एपिसोड. अच्छा जी, अब हम आते हैं हदीका क्यानी की तरफ. एंड आई रिमेंबर कि जब इनकी एल्बम आई थी रफ कट, उसमें एक गाना था इस बार मिलो फीचरिंग लेट आमिर जकी, और उसमें शी प्लेड द कैरेक्टर ऑफ अ स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट इन अ मेंटल हॉस्पिटल. उसमें उनकी एक्टिंग को व्यूअर्स ने बहुत पसंद किया था. सो एक्टिंग इज़ नॉट समथिंग न्यू टू हर, लेकिन म्यूजिक वीडियो में एक्ट करना इज़ डिफरेंट देन यू नो एक्टिंग इन अ प्ले. तो आई वुड से कि हदीका क्यानी पूरा पूरा इंसाफ कर रही हैं अपने इस कैरेक्टर सकीना के साथ, जो कि एक डरी हुई सहमी हुई गांव से ताल्लुक़ रखने वाली औरत का कैरेक्टर है, जो अपने शोहर के हाथों मार खा खा के फिजिकली जो है फिजिकल पेन से वो बिल्कुल नम हो चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ उसका अपने जो एक्स लवर मकसूद साहब पे एतमाद जो है वो अभी तक कायम है, और इसके साथ क्योंकि वो एक माँ भी है तो अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए वो उनके पास बना लेने पर मजबूर हो जाती है. सो आई बिलीव कि हदीका क्यानी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब. फिर एक और इसमें एक एक्टर का जो है वो डेब्यू हुआ है, और उनका नाम है हमजा सोहेल, जो कि सोहेल अहमद साहब के बेटे हैं, और वो जो है इंशा के लवर के रोल में हमें नज़र आ रहे हैं. अभी उनका रोल ज़रा छोटा है, आई होप के आगे जाके उनका रोल जो है मजीद जो है उसमें कुछ डेवलपमेंट होगी, बट ही इज़ ऑल्सो प्लेइंग हिज पार्ट रियली वेल. सो बेसिकली पूरी कहानी को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है उसमें एक्टर्स के साथ साथ राइटर और डायरेक्टर को भी पूरा पूरा क्रेडिट जाता है, बिकॉज इट्स अ वेरी वेल रिटन स्क्रिप्ट, इट्स अ वेरी बोल्ड स्क्रिप्ट, इट्स अ वेरी मेच्योर स्क्रिप्ट, और इस तरह के जो इमोटिव थीम्स होते हैं जिसमें वीमेन हैव टू फाइट अगेंस्ट ऑड्स, उसको लिखने में भी गुल को एक ख़ास महारत हासिल है, और क्योंकि ये एक विमेन सेंट्रिक स्टोरी है तो इसमें आपको ज़रूर इस तरह का फ्लेवर या इस तरह का जाविया नज़र आएगा, बिकॉज इट हैज़ बीन रिटन बाय अ वुमन, तो आपको इस तरह के ज़रूर इसमें एलिमेंट्स नज़र आएंगे जो कि यू नो इंडिकेट करते हैं कि ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद एक औरत ही बेहतर समझ सकती थी और औरत ही बेहतर तरीके से उसको यू नो कन्वे कर सकती थी एज अ राइटर. फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें जो हाजरा का जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है फॉर सकीना, वो बाज़ लोगों को हो सकता है ऑड लगे, लेकिन उसका एक एंगल ये भी है कि औरत जब मोहब्बत करती है एक मर्द के साथ या अपने शौहर के साथ, तो वो उसकी मोहब्बत में उसकी महबूबा को भी अपनाने में उसको कोई हेजिटेशन नहीं होती. सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इसमें नज़र आती हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट द डायरेक्टर काशिफ निसार. बहुत ही अमेजिंग डायरेक्टर हैं और बहुत ही स्मार्ट तरीके से उन्होंने हर सीन को क्राफ्ट किया है. हर सीन जो है इट इज़ वेरी वेल थॉट, और एक जो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उनकी मुझे जो काबिल तारीफ एक चीज़ का मैं जिक्र करना चाहूँगी वो ये है कि उन्होंने हर सीन के अंदर अननेसेसरली बैकग्राउंड स्कोर नहीं डाला. हमारे बेशतर ड्रामों में ये एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि इतना ज़्यादा बैकग्राउंड स्कोर होता है एंड इट इज़ सो लाउड दैट इट एक्चुअली बिकम्स नॉइज, और वो सारे सीन की जो है जो उसके अंदर जो उसकी एक इमोशनल क्वालिटी होती है वो आपको बिल्कुल उससे दूर ले जाता है. लेकिन काशिफ निसार ने एक बहुत ही वाइज एक डिसीजन उन्होंने लिया एज अ डायरेक्टर कि उन्होंने हर सीन के अंदर बैकग्राउंड स्कोर नहीं डाला, जिसकी वजह से जो सीन्स हैं जिनमें पीछे साउंड आपको नहीं सुनाई देती उसके उसमें होता ये कि फिर फोकस आपका एक्टर की एक्टिंग पे, उनके एक्सप्रेशंस पे और उनके जो वो चीज़ कन्वे करना चाह रहे हैं उस पे फोकस हो जाता है व्यूअर का, एंड दैट इज़ द रीज़न वी आर एबल टू यू नो फील एंड कनेक्ट विद दीज कैरेक्टर्स सो इफेक्टिवली. सो ये एक मुझे चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगी. वैसे बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है एंड इट डज़ यू नो रिमाइंड इट डिड रिमाइंड मी पर्सनली ऑफ द फिल्म वीर ज़ारा ऑल्सो, बिकॉज उसमें कुछ म्यूज़िक कुछ पियानो नोट्स इस तरह के उसमें हैं जो कि आपको वो लगते हैं थोड़ा उसमें वो सिमिलैरिटी है. सो दिस प्ले इज़ अबाउट यू नो लव एंड लॉस, इट्स अबाउट रिजेक्शन, इट्स अबाउट यू नो पेन ऑल्सो,
इट्स अबाउट रिकन्सिलिएशन एंड इट्स ऑल्सो अबाउट रीयूनियन ऑफ यू नो वेरी स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ लव. इट्स अ वेरी स्ट्रेंज लव स्टोरी बेसिकली. तो देखते हैं कि अभी तो जो पहली दो एपिसोड्स हैं दे वेंट वेरी वेल और हम देखते हैं कि आगे प्ले के अंदर क्या डेवलपमेंट होती है. एंड वी विश द टीम ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आगे भी प्ले जो है वो इसी तरह से इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होगा.